दोस्तों, भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस डर को महसूस किया है। फिल्मों की बात छोड़ दें तो असल जिंदगी में भी ऐसी कई जगह हैं जहां अक्सर भूत प्रेत वाली घटनाएं सुनने को आती हैं। आज की इस वीडियो से आप कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 1, ताज होटल मुंबई। इस होटल के बारे में कहा जाता है कि होटल को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट ने इस होटल के अंदर ही अपनी जान दे दी थी, क्योंकि यह होटल उनकी डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं बन पाया था। लोगों का मानना है कि इस होटल में आज भी उस आर्किटेक्ट की आत्मा घूमती है। नंबर 2, भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद यह किला अपनी भूत प्रेत वाली घटनाओं के लिए काफी फेमस है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस किले पर निगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। इस किले को आज भी शाम के समय रेड जोन घोषित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शाम के समय सभी आत्माएं एक्टिव हो जाती है, और शायद तभी इस जगह को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। नंबर 3, डुमस बीच। गुजरात में स्थित यह बीच भारत का सबसे डरावना बीच माना जाता है। कई साल पहले की बात है जब इस समुद्री तट का उपयोग लाशों को दफन करने में किया जाता था, इसलिए आज भी इस जगह पर कई आत्माएं रहती हैं। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूत प्रेत केवल पुराने खंडर वाली जगहों पर ही रहते हैं तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी, जहां से भूत प्रेत के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बनी हुई है, जिस कारण यहां की सैनिकों की आत्माएं भूत बन चुकी हैं। बताया जाता है कि यहां फिल्म शूटिंग के दौरान कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्तियां देखने को मिली हैं।